Hello everyone, I'm Professor N.B. Chatter welcomes you all in the 35th lecture of Industrial AC Machine subject. So my dear students, we have discussed about the voltage regulation calculation by three methods in the last lecture. That is, first one is the regulation by using direct loading method. Second one is the regulation by using the open circuit test. And third method is the regulation by using short circuit test. तो ऐसे तीन methods हमने last lecture में discuss किए हैं, ठीक है? Regulation calculate करने के लिए ये तीन methods हमने last lecture में discuss किए थे, ठीक? Then हमने देखा what are the steps to follow while carry outing the open circuit and short circuit test, ठीक है? And what precautions we are going to take while carry outing the open circuit and short circuit test, ठीक है? Steps भी देखे थे हमने open circuit and short circuit test के, ठीक है? और उसके बाद हमने precautions भी देखे ये open circuit and short circuit test carry out करते वक्त कौन-कौन से precautions लेने चाहिए, ये भी point हमने last lecture में discuss किया है, right? Now in today's lecture we are going to discuss about some of the phasor diagrams of the alternator and regulation calculation. तो यहाँ पे तीन power factor के लिए हमें phasor diagrams देखने हैं. एक है आपका lagging power factor, दूसरा है आपका leading power factor and third है आपका unity power factor. तो ऐसे तीन power factor के लिए तीन phasor diagram देखने हैं. और उसके लिए regulation कैसे calculate करते हैं हम, वो देखना है आज के lecture में. तो पहला केस देखेंगे अपन lagging power factor के लिए. Before that we know the definition and formula for the regulation, that is percentage regulation is equal to E phase minus VT or V phase भी लिख सकते हो, divided by VT into 100. तो ये regulation का formula है, ठीक है? Regulation की definition क्या बोली थी हमने? It is the change in secondary terminal voltage from no load to full load measured as a percentage of full load voltage. So this is the definition of the voltage regulation for an alternator. तो हमें फर्स्ट केस के लिए अभी लैगिंग पावर फैक्टर के लिए रेगुलेशन कैसे कैलकुलेट कर रहा है वो देखना है, ठीक है? लैगिंग पावर फैक्टर है सो इसका मीनिंग क्या होता है कि द पावर फैक्टर ऑफ द लोड कॉस पर इज लैगिंग, सो IA लैग्स V फेज और VT बाय एन एंगल पर. यहां पे IA लैगिंग कंडीशन में रहेगा V फेज से या फिर VT से, कितने एंगल से लैगिंग में रहेगा, पाई इतने एंगल से. तो फेजर डायग्राम यहां पे दी है आपको, ठीक है? आगे उसमें आपको मालूम हो जाएगा. यहाँ देखो IA यहाँ पे ये IA का फेजर है आपका, ठीक है? और ये IA आपका टर्मिनल वोल्टेज से लैगिंग कंडीशन में लिया है अपने पाई इतने एंगल से, ठीक है? तो ये ऐसे फेजर डायग्राम दिखाई है यहाँ पे. और बाद में वहां पे हमने कुछ ड्रॉप्स कंसिडर किए हैं. ये IARA ड्रॉप है आपका, यानी आर्मेचर वाइंडिंग का जो रजिस्टेंस होता है उसमें जो ड्रॉप होता है वो है होता है आपका IRA. देन आर्मेचर वाइंडिंग का जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है उसमें जो ड्रॉप होता है वो होता है आपका IAXS. और ये दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा आपको वो इम्पीडेंस मिलेगा. सो IAZS का ये ड्रॉप का ये फेजर रहेगा और ये टोटल ई फेज का फेजर रहेगा, ठीक है? वैसे फेजर डायग्राम यहाँ पे दिखाई है, इसमें हर एक साइड यहाँ पे कुछ सिंबल से उसको रिप्रेजेंट किया है. हियर ओ ए इज इक्वल टू वीटी है. देखो यहाँ पे ओ ए यानी ये फेजर है आपका और ये फेजर किसका है आपका, वीटी का, ठीक है? लाइक दैट हियर बी सी इज इक्वल टू आई ए एक्सेस. तो यहाँ पे देखो ये आपका बी सी है तो ये बी सी आपका आई ए एक्सेस है. देन ये ओडी है आपका, ओडी की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पे, ओ और ये डी, ये ट्रायंगल में आपके ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा आपका ओ ए डी, ठीक है? तो इसमें ये साइड आपकी क्या होगी, वीटी कॉस फाई और ये साइड क्या होगी आपकी, वीटी साइन फाई, ठीक है? क्योंकि ये फाई एंगल है और कॉस फाई की डेफिनेशन क्या होती है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. तो उसकी वजह से ओडी की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को यहाँ पे, VT cos phi, ठीक है?
एंड एडी की वैल्यू क्या मिलेगी वहां से, एडी एडी की वैल्यू क्या मिलेगी, वी टी साइन पाई, क्योंकि साइन की डेफिनेशन क्या होती है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसकी वजह से ये साइड मिलेगी अपनी को वी टी साइन पाई और ये साइड रहेगी आपकी वी टी कॉस पाई, क्लियर है। नाउ ओसी की वैल्यू क्या है आपकी, ई फेज है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये ओ और ये सी पॉइंट है, तो ये फेजर किसका है आपका, ई फेज का, ठीक है। देन आपकी ए सी की वैल्यू क्या ली है हमने, हमने यहाँ पे आई ए जेड एस, ये देखो ए सी की वैल्यू क्या ली है हमने, आई ए जेड एस। उसके बाद ए बी यानी डी ई इक्वल रहेंगे और उसकी वैल्यू क्या है आपकी, आई ए आर ए। ए बी कहाँ पे आपका, ये ए बी एंड डी ई ये इक्वल रहेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी ली है अपने, आई ए आर ए, ठीक है। तो ये सारे साइड्स यहाँ पे दिखाए हैं ये फेजर डायग्राम में, ठीक है। नाउ हमें रेगुलेशन कैलकुलेट करना है अल्टरनेटर का लैगिंग लोड के लिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। तो यहाँ पे कंसिडर करो ट्रायंगल ओसीई, ओ सी एंड ई, ये आउटर जो ट्रायंगल है अपना बड़ा, ये कंसिडर करना है यहाँ पे हमको, ठीक है। आता या ट्रायंगल मध्ये हा राइट अँगल ट्रायंगल असेल अपना, ठीक है, त्यासाठी हा हायपोटेनियस असेल, ही ऍडजसंट साइड असेल, ठीक है, आणि ही अपोजिट साइड असेल आपली, ठीक है, राइट अँगल ट्रायंगल मध्ये। तर इथं आपण पायथागोरस लॉ यूज करणार आहे, ठीक है, यहाँ पे पायथागोरस लॉ अप्लाई करना है। तो पायथागोरस लॉ स्टेट क्या करता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजसेंट साइड स्क्वायर प्लस ये आपकी हाइट स्क्वायर है, ठीक है, यानी बेस साइड प्लस हाइट स्क्वायर, बेस साइड स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस लॉ स्टेट करता है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ये ट्रायंगल में ओ सी ई ट्रायंगल में ओ सी स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है आपका, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस साइड क्या है आपकी, ओ ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर एंड हाइट क्या है आपकी, सी ई स्क्वायर या फिर ई सी स्क्वायर, क्लियर है। तो ओसी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ई फेज है आपकी, ओसी की वैल्यू ये ई फेज है, तो ई फेज स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ओ ई है तो ओ ई है, तो ओ ई साइड को कैसे लिख सकता हूं मैं, ओ डी प्लस डी, ये दोनों साइड मिलके आपकी ओ ई साइड बनेगी, तो ओ डी प्लस डी ई लिखा है यहाँ पे, उसका ब्रैकेट का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, प्लस ई सी को कैसे लिख सकते हैं अपन, ई सी ये ई और ये सी है आपका, यहाँ पे मिडल में ये पॉइंट है आपका, तो ई बी प्लस बी सी लिख सकते हैं इसको, सो ई बी प्लस बी सी ब्रैकेट स्क्वायर लिखा है इसको, क्लियर है। नाउ ई फेज स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ओडी की वैल्यू कितनी है अपनी, ओडी यानी वी टी कॉस फाई रहेगा, सो वी टी कॉस फाई प्लस डी की डी की वैल्यू कितनी ली है अपन ने, आई ए आर ए, सो वी टी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस अभी ईबी कितना है यहाँ पे, ईबी यानी आपका इतनी वैल्यू होगी एडी जितनी ही, और एडी की वैल्यू कितनी है, वीटी साइन फाई है, जो हमने यहाँ पे सारे वैल्यू यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले, ठीक है। सो ईबी की वैल्यू कितनी है आपकी, वीडी साइन फाई, वीटी साइन फाई एंड बीसी की वैल्यू कितनी है आपकी, आई ए एक्स एस, यहाँ पे प्लस आई ए एक्स एस ब्रैकेट स्क्वायर लिखा, ठीक है। और यहां से आप ई फेज की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, फिर ये स्क्वायर है तो ई फेज इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट में जाएगी, सो स्क्वायर रूट ऑफ वी टी कॉस पाई प्लस आई ए आर ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वी टी साइन पाई प्लस आई ए एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये मिल गया अपने को ई फेज, राइट। तो अगर एक बार हमें ई फेज मिल गया कि टर्मिनल वोल्टेज हम इजिली वहां पे मेजर कर सकते हैं, तो ई फेज एंड टर्मिनल वोल्टेज मालूम हो गया कि आपको क्या कैलकुलेट करने आएगा वहां का वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, दैट इज परसेंटेज रेगुलेशन इज इक्वल टू ई फेज माइनस वी फेज डिवाइडेड बाय वी फेज इनटू 100। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि ई फेज इज ग्रेटर देन वी टी रहेगा एंड रेगुलेशन इज पॉजिटिव हियर, रेगुलेशन कैसे रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है।
ई फेज की वैल्यू ग्रेटर देन वी टी रहेगी और रेगुलेशन है यहाँ का पॉजिटिव रहेगा लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फेजर डायग्राम ऑफ एन अल्टरनेटर एट लैगिंग लोड और लैगिंग पावर फैक्टर। नाउ सेकंड केस है आपकी लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो लीडिंग का मतलब क्या होता है मालूम है अपने को? यदि पावर फैक्टर ऑफ द लोड कॉस्ट पाई इज लीडिंग सो आई ए लीड्स वी फेज और वी टी। आई ए लैग लीडिंग में रहेगा वी फेज से या फिर वी टी से, कितने एंगल से लीडिंग में रहेगा? फाइव एंगल से। तो इसकी फेजर डायग्राम आगे दी है आपको, जैसे हमने लैगिंग के लिए फेजर डायग्राम निकाली थी वैसे ही है, यहाँ पे लीडिंग के लिए निकाली है। ठीक है, तो इसका एक साइड यहाँ पे आपको जो भी साइड है वो यहाँ पे उसके वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। तो पहले हम डायग्राम देखेंगे। ये देखो डायग्राम है, अभी इसमें लीडिंग पावर फैक्टर है तो आई ए लीडिंग में रहेगा वी टी से, ये एंगल आपका फाई रहेगा, तो वी टी का फेजर यहाँ पे है और आई ए का यहाँ पे है, तो ये आई ए लीडिंग में गया। ठीक है, वी टी से कितने एंगल से? फाइव एंगल से। यहाँ पे ये साइड आपकी ओ डी है, ये आपकी पी ए साइड है और ये आपकी ओ ए ओ साइड है। देन यहाँ पे ए बी साइड है, ये आपकी बी सी साइड है और ये ए सी साइड है। इसके वैल्यू भी यहाँ पे डिनोट किए हैं, ए बी की वैल्यू है आई आर ए, यानी ये आई आर ए का फेजर होगा। देन बी सी यानी आपका वहाँ पे फेजर होगा आई ए एक्सिस का, और ये दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा आपको आई ए जेड एस, और ओ सी आपका रिजल्टेंट होगा और वो रहेगा आपका ई फेज का फेजर। ठीक है, तो ये ऐसी डायग्राम यहाँ पे फेजर डायग्राम दिखाई है। तो इसमें वैल्यू देखो ओ ए यानी वी टी है आपका, यहाँ पे देखो ओ ए वी टी की वैल्यू है, वी टी फेजर है वहां पे। देन बी सी यानी आई ए एक्सेस है, ये बी सी आपका आई ए एक्सेस है। ठीक है, देन नेक्स्ट ओ डी आपका वी टी कॉस फाई है। ओ डी कहाँ पे है? देखो ये ओ डी, तो ये अभी ट्रायंगल में ओ डी ए ट्रायंगल में ये फाइव एंगल है, तो ये एडजेसेंट साइड होगी आपकी, ये हाइपोटिनियस होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ओडी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन? वी टी कॉस फाई, और ए डी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन? वी टी साइन फाई। क्लियर? सो ये यहाँ पे देखा ओडी की वैल्यू वी टी कॉस फाई है और एडी की वैल्यू किसके इक्वल है? एडी यानी ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, तो वो बी ई के इक्वल में होगी। ठीक है, सो ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू वी टी साइन फाई लिया है। ठीक है, ओ सी आपका ई फेज है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ओ सी आपका ई फेज का फेजर है। देन नेक्स्ट ए सी आपका आई ए जेड एस है, ए सी ये ए सी है आपका आई ए जेड एस। ठीक है, और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू आई ए आर ए, यहाँ पे देखो ये ए बी है आई आर ए है, ए बी ये डी ई के इक्वल में रहेगा वो, सो ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू किसकी वैल्यू है? ये आई ए आर ए। क्लियर है? तो ये हो गया फेजर डायग्राम। ठीक है, नाउ हियर अगेन कंसिडरिंग द ट्रायंगल ओ सी, यहाँ पे एंगल ट्रायंगल कंसिडर करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा ओ सी और ई, ओ सी ई ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा आपका। इसमें फिर से पाइथागोरस लॉ अप्लाई करना है, तो ओ सी स्क्वायर आपका हाइपोटिनियस रहेगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक है, तो ओ सी की वैल्यू कितनी है? ई फेज स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई को कैसे लिख सकते हैं अपन? ओ ई, ओ ई को हम ऐसे लिख सकते हैं ओ डी प्लस डी ई, सो ओ डी प्लस डी ई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, अभी ई सी को कैसे लिख सकते हैं अपन? ई सी ये इतनी ही साइड है, तो टोटल साइड क्या है, कितनी है अपनी? बी ई है, तो बी ई में से अगर मैं बी सी माइनस करता हूँ, ये टोटल साइड आपकी बी ई है, इसमें से अपन ने बी सी माइनस की साइड, तो कितनी मिलेगी वैल्यू अपने को? ई सी, सॉरी ईसी की साइड मिलेगी। ठीक है, सो बी ई में से हमें बी सी माइनस करना है, तब हमें वैल्यू मिलेगी ई सी की। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी वजह से फॉर्मूला लिया है बी ई माइनस बी सी ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अभी इसमें वैल्यू पुट करो, ये ओ सी ई फेज स्क्वायर रहेगा,
ओडी की वैल्यू क्या है अपनी, ओडी की वैल्यू वीटी कॉस फाई है, प्लस डी की वैल्यू क्या है, डी यानी आपका ए बी के इक्वल में रहेगा, सो आई आर ए ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा, प्लस अभी बी की वैल्यू कितनी है, बी यानी टोटल ये वैल्यू है, तो वो ए डी के इक्वल में होगी, और ए डी की वैल्यू कितनी है, वीटी को साइन फाई है, सो वीटी साइन फाई है, माइनस ये माइनस एज इट इज रहेगा, और बीसी की वैल्यू कितनी ली है, बीसी की वैल्यू कितनी है आपकी, आ ए एक्स एस। तो यहां से ई फेस कैसे निकाल सकते हो आप, फिर इसको स्क्वायर रूट में डालो, तो स्क्वायर रूट ऑफ वीटी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वीटी साइन फाई प्लस और माइनस आई ए एक्स एस ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। और आगे अगर हमें ई फेस मालूम हो गया तो वीटी हम इजिली मेजर कर सकते हो, एंड उसके बाद हम रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला सेम रहेगा, ई फेज माइनस वी फेज डिवाइडेड बाय वी फेज इनटू 100। सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ई फेज इज लेस देन वी टी रहेगा, ई फेज की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज से लेस रहेगी, और यहाँ का रेगुलेशन आपको निगेटिव मिलेगा। लीडिंग पावर फैक्टर के लिए रेगुलेशन कैसे होता है आपका, निगेटिव होता है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फेजर डायग्राम ऑफ एन अल्टरनेटर एट लीडिंग लोड और लीडिंग पावर फैक्टर, क्लियर है। देन नेक्स्ट हमें थर्ड केस देखनी है यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। सो हियर यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब मालूम है अपने को कि पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज यूनिटी, दैट इज कॉस फाई इज इक्वल टू 1 लिखते हैं अपन, दैट इज फाई की वैल्यू कितनी आती है, 0, कॉस इनवर्स ऑफ 1 यानी फाई की वैल्यू 0 मिलेगी। सो यूनिटी पावर फैक्टर में हमें मालूम है आई ए इज इन फेज में होता है वहां के फेज वोल्टेज के और टर्मिनल वोल्टेज के, सो आई ए इन फेज में रहेगा वी फेज से या फिर वी टी से, और उसके लिए फेजर डायग्राम आगे दी है जिसमें ये साइड जो है उसके वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, ओ ए यानी वी टी रहेगा आपका। यहाँ पे देखो ये फेजर डायग्राम है यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, तो ये है आपका ओ ए यानी वी टी रहेगा आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट बी सी यानी आई ए एक्सेस रहेगा, यहाँ पे देखो ये बी सी है आपका, तो बी सी यानी आई ए एक्सेस रहेगा, ठीक है। देन ओ सी आपका ई फेज रहेगा, ओ सी आपका क्या रहेगा, ई फेज, ये ओ सी आपका ई फेज रहेगा। देन नेक्स्ट ए सी, ए सी यानी आपका आई ए जेड एस रहेगा, तो ए सी ये है आपका, सो आई ए जेड एस है इसकी वैल्यू, और ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी, आई ए आर ए, क्लियर है। तो ये फेजर डायग्राम है आपकी अल्टरनेटर की एट यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। नाउ हियर अगेन वी विल कंसीडर द ट्रायंगल ओ सी बी, ओ सी बी ये आउटर ट्रायंगल कंसीडर किया, इसमें ये हाइपोटेनियस रहेगा, ये एडजेसेंट साइड रहेगी और ये अपोजिट साइड रहेगी, सो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला पाइथागोरस से क्या लिख सकते हैं, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ओ सी की वैल्यू कितनी है आपकी, ई फेज स्क्वायर है, सो ई फेज स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी को कैसे लिख सकते हैं अपन, ओ बी को ये ओ एंड बी है टोटल साइड, तो उसको हम ओ ए प्लस ए बी लिख सकते हैं, तो ओ ए प्लस ए बी ब्रैकेट स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, प्लस बी सी एज इट इज रहेगा आपका, तो बी सी स्क्वायर, ठीक है। ई फेज स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू कितनी है आपकी, वी टी, ठीक है, ओ ए की वैल्यू कितनी है आपकी, वी टी, सो वी टी प्लस आई आर ए, ए बी की वैल्यू कितनी है, आई आर ए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कॉस पाई नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे ओ ए की वैल्यू कितनी है, सिर्फ वी टी लिखना है, सो वी टी प्लस आई आर ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी सी की वैल्यू आई ए एक्सेस है, ठीक है। तो इससे हम ई फेज की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये स्क्वायर रूट में डालना है, सो स्क्वायर रूट में वी टी प्लस आई ए आर ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस आई ए एक्सेस ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। आणि याच्यावरून मग आपल्याला ई फेजचा फॉर्मुला मिळाला की आपण व्ही टी टर्मिनल व्होल्टेज इझिली इथं मेजर करू शकतो, आणि ई फेज आणि व्ही टी माहिती झालं की आपण इथलं रेग्युलेशन इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो। त्याचा फॉर्मुला सेम, ई फेज मायनस व्ही फेज डिवायडेड बाय व्ही फेज इन टू 100,
आणि इथं लक्षात ठेवायचं आहे, ई फेज इज ग्रेटर दॅन व्ही टी, ई फेज ची व्हॅल्यू परत इथं ग्रेटर दॅन व्ही टी असणार आहे आणि रेग्युलेशन हे पॉझिटिव्ह असणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे लक्षात घ्या की लॅगिंग पॉवर फॅक्टर आणि युनिटी पॉवर फॅक्टर साठी ई फेज हा ग्रेटर दॅन व्ही टी असणार आहे आणि रेग्युलेशन हे दोन्ही केस मध्ये पॉझिटिव्ह असणार आहे. पण लिडिंग पॉवर फॅक्टर साठी ई फेज हा लेस दॅन व्ही टी असणार आहे आणि रेग्युलेशन हे लिडिंग पॉवर फॅक्टर साठी निगेटिव्ह असणार आहे. क्लिअर आहे? सो दिस इज दी फेजर डायग्राम्स ऑफ एन अल्टरनेटर ऍट व्हेरियस पॉवर फॅक्टर, दॅट इज ऍट लॅगिंग पॉवर फॅक्टर, देन लिडिंग पॉवर फॅक्टर अँड युनिटी पॉवर फॅक्टर. क्लिअर आहे? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दी, इसके ऊपर ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, तीनों पावर फैक्टर की, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले. ये तीन यूनिटी पावर फैक्टर के जो ये फॉर्मूले हमने देखे हैं, फाइनल फॉर्मूले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर के एग्जाम्पल्स आपको मेन एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछते हैं और वो एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटर में. जैसे हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, वैसे ही हमें अल्टरनेटर के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने हैं और उसके लिए आपको ये तीन फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं. ये एक फॉर्मूला है आपका यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, देन आपको ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, एंड आपको लास्ट में लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है. ठीक है, तो ये तीनों जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने आए. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया है, रेटिंग ऑफ द अल्टरनेटर. सो जैसे हमने रेटिंग जो है वो ट्रांसफॉर्मर की भी देखी है CNE सब्जेक्ट में, कि ट्रांसफॉर्मर हम कैसे रेटेड करते हैं. ठीक है, वैसे आपको अल्टरनेटर की भी रेटिंग यहाँ पे मालूम होनी चाहिए. सो पावर रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर इज डिफाइंड एज द पावर विच कैन बी डिलीवर्ड बाय एन अल्टरनेटर सेफली. पावर रेटिंग जो है अल्टरनेटर की, उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि पावर विच कैन बी डिलीवर्ड बाय एन अल्टरनेटर सेफली. जो पावर डिलीवर करता है अल्टरनेटर सेफली एंड इफिशियंटली अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस में, उसको ही बोलते हैं पावर रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर. ठीक है, पावर रेटिंग जे आहे अल्टरनेटरची त्याला डिफाइन कसं करू शकतो आपण, की जी पावर अल्टरनेटरनं डिलिव्हर केलेली असते, जी पावर अल्टरनेटरनं डिलिव्हर केलेली असते सेफली आणि इफिशियंटली काही स्पेसिफिक कंडिशन्स मध्ये, त्यालाच म्हणतो आपण पावर रेटिंग अल्टरनेटरची. ठीक आहे, तर दी पावर रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर इज सो स्पेसिफाइड. पावर रेटिंग जो होती है आपके अल्टरनेटर की वो स्पेसिफाइड होती है दैट एट मैक्सिमम लोड, यानी वहां पे मैक्सिमम लोड पे जो टेम्परेचर राइज होता है डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं मशीन के, उसमें डज नॉट क्रॉस देयर स्पेसिफाइड सेफ लिमिट. वो वहां की जो स्पेसिफाइड सेफ लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करते हैं. ठीक है, एट मैक्सिमम लोड पे जो टेम्परेचर राइज होता है डिफरेंट पार्ट्स में मशीन्स के, वो वहां की स्पेसिफाइड सेफ लिमिट को क्रॉस नहीं करते हैं. ठीक है, ऐसी तरीके से पावर रेटिंग आपके अल्टरनेटर की स्पेसिफाई की जाती है. ठीक है, याचा मीनिंग काय सांगितलं की पावर रेटिंग जी आहे अल्टरनेटरची ती अशा प्रकारे स्पेसिफाय केलेली असते की मॅक्झिमम लोड वरती जे टेम्परेचर राईज होतं डिफरंट पार्ट्स जे आहेत मशीनचे त्यामध्ये, ते त्याची स्पेसिफाईड सेफ लिमिट क्रॉस करत नाही. अशा प्रकारे पॉवर रेटिंग त्या अल्टरनेटरची स्पेसिफाय केली असते. अँड दी कॉपर लॉसेस दॅट इज आय स्क्वेअर लॉसेस व्हॅरीज विथ आर्मेचर करंट. वाके जो कॉपर लॉसेस होते हैं यानी आई स्क्वेअर आर लॉस जो होते हैं वो व्हॅरी होते हैं आपके आर्मेचर करंट से, एंड कोर लॉसेस व्हॅरी होते हैं आपके वोल्टेज से. ठीक है, जे कॉपर लॉसेस असतात आय स्क्वेअर आर लॉसेस ते आर्मेचर करंट सोबत व्हॅरी होतात, आणि जे कोर लॉसेस असतात आपले ज्याला आपण आयन लॉसेस असं पण म्हणतो, ते तिथल्या वोल्टेज सोबत व्हॅरी होत असतात. द टेम्परेचर राईज ऑर हिटिंग ऑफ द अल्टरनेटर डिपेंड्स अपॉन क्युम्युलेटिव्ह इफेक्ट ऑफ द कॉपर लॉसेस अँड कोअर लॉसेस. जे टेम्परेचर राईज होत असतं किंवा हिटिंग जे होते अल्टरनेटर मध्ये, ती डिपेंड असते तिथल्या क्युम्युलेटिव्ह इफेक्टवरती, कॉपर लॉसच्या आणि कोअर लॉसच्या, कॉपर आणि कोअर लॉसच्या क्युम्युलेटिव्ह इफेक्टवरती जे टेम्परेचर राईज होते किंवा हिटिंग जे होते अल्टरनेटरची,
ही डिपेंड असते. ठीक आहे, ॲज देअर इज अ नो रोल ऑफ पॉवर फॅक्टर अपॉन दीज लॉसेस. कारण तिथं या लॉसेसवरती पॉवर फॅक्टरचा कुठलाच रोल नसतो. अँड द रेटिंग ऑफ अल्टरनेटरली जनरली गिव्हन इन व्होल्ट अँपियर ऑर किलो व्होल्ट अँपियर ऑर मेगा व्होल्ट अँपियर. आणि अल्टरनेटरची जी रेटिंग आहे ती सहसा व्होल्ट अँपियर मध्ये दिलेली असते किंवा किलो व्होल्ट अँपियर मध्ये दिलेली असते किंवा मेगा व्होल्ट अँपियर मध्ये दिलेली असते. जसे ट्रान्सफॉर्मरची रेटिंग ही व्होल्ट अँपियर मध्ये असते किंवा किलो व्होल्ट अँपियर मध्ये किंवा मेगा व्होल्ट अँपियर मध्ये असते, तशीच अल्टरनेटरची रेटिंग सुद्धा या तीन युनिट्स मध्येच असते. ठीक आहे, अँड द इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑफ अन अल्टरनेटर इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉवर फॅक्टर अँड व्होल्ट अँपियर. जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है अल्टरनेटर का वो प्रोडक्ट होता है आपके पॉवर फॅक्टर का एंड वहां के वोल्ट एम्पियर का. एंड जो आउटपुट होता है वो एक्सप्रेस किया होता है आपका किलो वैट. तो समटाइम्स अल्टरनेटर्स आर ऑल्सो रेटेड बाय इट्स पावर इंस्टेड ऑफ वी ए रेटिंग. कभी कभी अल्टरनेटर्स को हम रेट करते हैं उसके पावर से भी, वी ए रेटिंग के बजाय हम उसको पावर रेटिंग से भी उसको रेट करते हैं अल्टरनेटर. ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेटिंग दी है अल्टरनेटर की. ठीक, यहाँ पे देखो किलो वैट रेटिंग है. सपोज 5000 किलो वैट का अल्टरनेटर है आपका, यह बहुत ही बड़े अल्टरनेटर है जो आपके आपके पावर स्टेशन में यूज होते हैं अल्टरनेटर. ये उसके स्टैंडर्ड रेटिंग यहाँ पे मेंशन किए हैं. जो किलो वैट रेटिंग होती है वो 5000 होती है किलो वैट. जो पावर फैक्टर होता है अल्टरनेटर का 0.85 होता है लैगिंग में. केवीए रेटिंग होती है 5,88,000 केवीए. स्टेटर वोल्टेज होता है वहां का 21,000 वोल्ट. इतना वोल्टेज होता है आपका जो पावर स्टेशन में अल्टरनेटर्स यूज होते हैं यानी सिंक्रोनस जनरेटर्स यूज होते हैं उसमें. ये स्टेटर वोल्टेज होता है 21,000 वोल्ट. और स्टेटर का करंट कितना होता है देखो, स्टेटर एम्पियर 16,200 वोल्ट, सॉरी एम्पियर. स्टेटर एम्पियर कितना होता है 16,200 एम्पियर. रोटर का वोल्टेज होता है आपका 340 वोल्ट. रोटर का करंट होता है आपको 40 एम्पियर. देन स्पीड जो होती है आरपीएम यानी 3000 स्पीड होती है अल्टरनेटर की. जो जनरेटिंग स्टेशन में यूज होते हैं अल्टरनेटर्स की स्पीड 3000 आरपीएम होती है. फ्रीक्वेंसी होता है उसका 50 हर्ट्ज. थ्री फेज है. देन आर्मेचर का कनेक्शन डबल स्टार होता है. कूलेंट यहाँ पे वाटर या फिर हाइड्रोजन यूज करते हैं. गैस प्रेशर होता है वहां का 3.5 बार. एंड इंसुलेशन टाइप होता है आपका प्लस ईएफ. और इसके स्पेसिफिकेशन ये IS5422 एंड IES34 से मेंशन किए होते हैं. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रेटिंग है आपके अल्टरनेटर्स. ठीक है, जो हम पावर स्टेशन पे अल्टरनेटर्स यूज करते हैं ये उसके स्टैंडर्ड रेटिंग. ठीक, समझ में आया. तो ये है आपका रेटिंग ऑफ द अल्टरनेटर. सो इसमें कुछ डाउट है आज के पॉइंट में तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं. ठीक है, सो विल स्टॉप हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.